टोपियाँ हैं ये सर्दियों की, ये देखो क्लिप्स हैं लड़कियों की, दिख रही हैं एक एक पाउंड की। ये देखो आपको रबर बैंड दिखाता हूँ लड़कियों की, ये देखो ये भी एक पाउंड की हैं। कुछ टी शर्ट्स हैं तीन तीन पाउंड की, तीन पाउंड की है, पहले छः की थी। हेलो हाँ जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई आप लोग सोच रहे हो ना व्लॉग वगैरह बहुत कम आ रहे, भाई कहाँ चला गया बंदा, व्लॉग बनाने तो नहीं भूल गया भाई, नहीं भूला हूँ, थोड़ा बहुत व्यस्त जरूर था, बट अब अपने जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर आएंगे है ना, आप लोगों को कंटेंट तो दूंगा चाहे कुछ भी दूंगा है ना, तो आप लोगों को डेफिनेटली कंटेंट मिलेगा। तो चलो भाई अपने यहाँ से चल रहे हैं बाहर, आज अपनी छुट्टी है, और अभी मैं मूवी देख रहा था विक्रम एंड वेदा, और भाई अभी कोई कैमरा मैन ने दूसरी मूवी लगा दी, दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को पता है कौन सी मूवी है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को तो नहीं पता भी क्योंकि सामने लगी हुई है बस। तो भाई यहाँ चलो अब यहाँ से अपन निकलते हैं ना, तो आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, मतलब यूके में कुछ चीज़ें कभी कभी देखने के लिए मिलती है, और अभी सर्दियों में तो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती। चलो आपको दिखाता हूँ, वो धूप आई हुई है ना भाई, अगर आप यूके आ रहे हो तो ये कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगी, और अभी बस वापस जाने वाली है, बादल आ गए यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, तो हाँ अभी निकल रही है धूप, अपन भी थोड़ा निकलते हैं बाहर। मैंने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी, आजकल मैं बाहर खड़ी करने लग गया हूँ, कौन ले गया है अंदर उसको बार बार, तो चलो बाहर खड़ी है ना, ये मेरा डस्टबिन दिया था, अभी इसको अंदर लगा के आता हूँ क्योंकि अभी कचरे वाला आया था, कचरा लेके चला गया। हाँ तो भाई मेन मतलब आपको ये बताता हूँ मेरा रीज़न बाहर जाने का, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, तो भाई इतने दिनों के बाद छुट्टी मिली तो अपन बाहर जा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि अपन जा रहे हैं क्योंकि भाई कैमरामैन का जन्मदिन था, तो कैमरामैन को मैंने एक गिफ्ट दिया था बढ़िया था। अब भाई कैमरामैन को वो गिफ्ट आ गया बड़ा, हाँ उसको चेंज करवाने के लिए जाना है, तो ज्वेलरी शॉप जा रहा हूँ मैं, कुछ ज्वेलरी मैंने ली थी उसके लिए, तो वो मेरे को चेंज करवानी है देख तो। और भाई यहाँ पे ज्वेलरी का थोड़ा अलग ही सीन है ना, यहाँ पे मतलब अपने तो वहाँ पे 22 कैरेट का सोना मिलता है, 24 का मिलता है, यहाँ पे मिलता है ऐसी बात नहीं, बट यहाँ पे 8 कैरेट 9 कैरेट तक का सोना मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, थोड़ा अलग ही सीन है। भाई जो ज्वेलरी के शौकीन हैं मतलब है ना लड़कियाँ खासकर और लड़के भी, तो भाई अपने इंडिया से ही करो, मेरे हिसाब से वहाँ पे सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू यूके ना, तो भाई मेरे को वहाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो लिया था भाई, वो मेरे को चेंज करवाने के लिए जाना है अभी, और दूसरा मेरे को थोड़ा बहुत कुछ और भी शॉप करना है, उसके लिए भी जा रहे हैं है ना, घर के लिए और खुद के लिए भी कुछ लेंगे, देखते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं। मैंने गाड़ी लगा दी अपने टाउन सेंटर में ना, अपने जिम वाली पार्किंग में, तो भाई अपनी जिम है यहाँ पे, अभी निकल रहे हैं अपने यहाँ से सीधा टाउन सेंटर। चलो ये चाबी गाड़ी में भूल गया था, गाड़ी चाबी गाड़ी में भूल गया था, तो लॉक करना भूल गया था गाड़ी को, दोबारा आया हूँ वापस लॉक करने के लिए। चलो अब चलते हैं। तो ये है अपना टाउन सेंटर, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे मतलब यूके का सबसे सस्ता मार्केट, दिख रहा है आपको प्राइमार्क है ना, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी सस्ती वाड़ी, कपड़े वपड़े आपको अंदर लेके जाऊँगा थोड़ी देर में, पहले यहाँ चल रहे हैं ज्वेलरी शॉप, मैं आपको ज्वेलरी शॉप दिखाता हूँ कहाँ पे। चलो क्यों देख लो भाई, पिटबुल लिए खड़ी है एक, ये है पॉइंट यहाँ पे, आप लोग देखते हो ना, पुरानी चीज़ दो नई चीज़ लो, और पुरानी चीज़ देके पैसे ले लो, ये अपना मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने टाउन सेंटर बढ़िया यहाँ पे, चलो है ना, और क्या बोलते हैं इसको, मैं आपको दिख रहा होगा अभी अपन चल रहे हैं ज्वेलरी शॉप। तो भाई ये स्टोर है ज्वेलरी वाली, जहाँ मेरे को आने का था वो, तो सामान लेना था मेरे को यहाँ से। चलो आप लोग को ज्वेलरी दिखा दूँ है ना, ये है ज्वेलरी शॉप, दिख रहा है आपको, देखो मैंने भी जो ज्वेलरी थी ना वो अपने चेंज करवा ली है, तो आप लोगों को दिखाऊं क्या था, क्या मैंने चेंज करवाया, चलो छोड़ो क्या देखोगे नहीं है ना, तो चलो अपन यहाँ से अभी अंदर चलते हैं, अंदर का सामान दिखाता हूँ मेरे को क्या लेने का है। तो भाई मैंने दो तो ये लिए हैं दिख रहे हैं आपको, तो ये बैटमैन 500 रुपये का है, और ये 500 रुपये का, मतलब 5-5 पाउंड के दो ये लिए हैं, मतलब ऐसे थोड़ा क्रिसमस का टाइप का मार्केट लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा हुआ ये देखो है ना। बाकी मेरे को एक परफ्यूम लेना है शनैल का, वो मैं देखूँगा अभी बूट्स में से, और पहले जाके मेरे को ना थोड़े लोअर वगैरह देखने, शूज़ वगैरह देखने, पहले वो चल के देख के आते हैं। चल रहे हैं अपन यहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट, वहाँ पे मेरे को कुछ लोअर्स देखने हैं, बॉटम्स है ना एडिडास के देखने हैं, मतलब स्पेशली मेरे को एडिडास और प्यूमा दो ब्रांड ज़्यादा पसंद है, तो उसी में से एक का देखूँगा। चलो पहले लेके आते हैं फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये हैं शूज़ वगैरह, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्राइस भी दिख रहा है, तो इस टाइप के प्राइस अपने यहाँ पे मिल जाते हैं, ये देखो ये सारे नाइकी गए साइड है, ये वाले शूज़ मैंने पहले लिए थे तभी 100 पाउंड के पड़े थे मेरे को, मतलब अभी डिस्काउंट है अभी 80 का मिल रहा है, उस वक्त मेरे को 100 पाउंड का पड़ा था वाला शूज़। एक तो ये वाले लोअर हैं, ये अपने पड़ रहे हैं 50 पाउंड के दो, और 32 पाउंड का एक, मतलब 5000 रुपये के दो हैं ये, देखते हैं कौन से लेंगे, और दूसरे को दिखाता हूँ आपको।
मैंने लिए हैं, एक तो ग्लव्स लिए हैं जिम के लिए है ना, वो 6 पाउंड के पड़े हैं। एक एडिडास की पैंट है वो 40 पाउंड की है, मतलब ट्राउज़र, और एक एडिडास की है वो 20 पाउंड की, मेरे को ऑफर मिली है 20 पाउंड वाली ना। बाकी मैंने ब्लू लाइट कार्ड लगाया तो अपने को 4 पाउंड का ऑफ मिला है, टोटल 62 पाउंड का है। जो ये वाली दिख रही है ये 40 पाउंड की थी, बट ये मेरे को 20 में पड़ी है विद ऑफर है ना, तो टोटल अपना 62 पाउंड का सामान हुआ है भाई। अपन ने सामान वगैरह ले लिया है ना, ये देखो न्यू लुक से भी अपन ने थोड़ा वो सामान लिया है भाई, टोटल अपने हो गए 150 पाउंड खर्च है ना। मेरे थोड़ी बहुत डेकोरेशन इन्होंने करके रखी है यहाँ पे वीगन मार्केट में, और अभी बज रहे हैं 4 शाम के और बाहर हो लिया अंधेरा। आपको दिखाता हूँ बाहर का माहौल, मेरे को दिख रहा है 4 बजे हैं सिर्फ 4 भी, और अभी तो थोड़ी और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो 4 बजे पहले अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। वो सब यही हाल रहता है यहाँ पे ना, जल्दी मतलब दिन छिप जाता है और लेट निकलता है यहाँ पे दिन है ना, तो ये हाल रहता है यहाँ पे फिलहाल। तो ऐसा मौसम हो रखा है फिलहाल यहाँ पे ना। अभी भाई प्राइमार्क जाने की सोची थी, देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी खर्चा वैसे यहाँ पे हो चुका है ना अपना, अभी थोड़ा मैंने हाथ टाइट करके रखा हुआ है, बट फिर भी हो गया। अगर चलता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ, नहीं चलेंगे तो फिर नहीं चलेंगे, ये कहानी है। दिखाता हूँ ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको नीचे जो गिरे हुए ना, ये देखो मतलब हर जगह अभी जहाँ भी वन चल रहे हैं, तो गैस करो क्या है ये, जहाँ तक चलूँगा ये भी वाइट वाइट आपको दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, ये देखो है ना। हटेता हूँ एक बार, आप देख ये देख रहे हैं सपना है, आपको पूरे टाउन सेंटर में मिलेगा, हर जगह मिलेगा ना। वही अपन आ गए हैं प्राइम मार्क में ना, घूमते फिरते आ ही लिए, बंद होने वाला है थोड़ी देर में। तो ये भाई सबसे सस्ता मार्केट है, यहाँ से आपको देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो 8 पाउंड में शर्ट हैं सारी, कोई भी कलर ले सकते हो, देख रहे हैं सर्दी का थोड़ा बहुत सामान 8 पाउंड में। ये देखो ये जैकेट है ये 15 पाउंड में है ना, बाकी सामने जैकेट्स वगैरह आपको दिख रही होंगी। तो काफ़ी सस्ता सामान यहाँ पे मिलता है, और आपको ऐसे ब्रांड का कोई वो नहीं है ना कि भाई मेरे को इसी ब्रांड के लेने, ये लेने वो लेने, तो आप लोग ले सकते हो यहाँ से। ये जूते देखो काफ़ी सस्ता सामान है यहाँ पे, ये जूते हैं भाई, है ना 16 पाउंड 7 पाउंड, इसलिए जिम वगैरह के लिए मैं यहाँ से टी शर्ट लेता हूँ ना, आपको दिख रहा होगा ये प्राइस 4 पाउंड की टी शर्ट है ये है ना, तो जिम वगैरह के लिए जो मतलब ऐसा ही है कि आप लोग पैंट सब एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो सारी चीज़ें। भाई ये लड़कियों का स्टफ़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखा 5 पाउंड की क्या ये, देखा लेगिंग ये देखो टी शर्टें, ये देखो टी शर्टें 4 पाउंड की 3 पाउंड की, भाई सस्ता सामान 8 पाउंड के जूते, ये देखो 1-1 पाउंड का क्या ये पता नहीं, ये देखो इधर है ना, ये सारे 1-1 पाउंड के हैं, ये शॉल है 5-5 7-7 पाउंड के, टोपियाँ हैं ये सर्दियों की, ये देखो क्लिप्स हैं लड़कियों की दिख रही हैं 1-1 पाउंड की, ये देखो आपको रबर बैंड दिखाता हूँ लड़कियों की, ये देखो ये भी 1 पाउंड के हैं, कुछ टी शर्ट्स हैं 3-3 पाउंड की, 3 पाउंड की पहले 6 की थी। आप लोगों को वाइट वाइट दिखाया था मैंने जमीन पे, अभी भी देखो नीचे वो ये सारा, मैं अभी क्या दिखाऊं आपको भाई, वो सारी सारी च्युइंगम्स हैं यहाँ पे ना भाई, च्युइंगम आपको हर जगह मिलेगी, नीचे चिपकी पूरी जमीन च्युइंगम से भरी हुई है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से मैं आ गया हुआ ना, और अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग तो अपनी सारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, अपनी गाड़ी खड़ी यहाँ पे, अभी अपन यहाँ से निकलते हैं। अभी चलना है मेरे को टेस्ट को, एक सामान मेरे को रिटर्न करना था, वो सामान रिटर्न करते हैं, और मैं गोलगप्पे बना के लेके आया था निस्सी के लिए, वो देने पानीपुरी जिसको बोलते हैं अपन है ना, वो अपने को वहाँ पकड़ानी है, फिर अपन वहाँ से जाएंगे सीधा घर। हाँ तो भाई अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे घर है ना, घर आने के बाद अभी बस अभी थोड़ा बैठते हैं ना, खाना वाना बनाते हैं और सोते हैं भाई। तो अपना जो व्लॉग है अपन इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर भाई, तभी तब तक के लिए सभी लोगों को राम राम।